रेडी। जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर कोविड-19 की महामारी से तो लोग ऑलरेडी परेशान है, लेकिन आज की अगर बात करें सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रहा है। साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से एक वीडियो, एक शख्स की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें जाके वो खुदकुशी करने से पहले वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरी खुदकुशी का कारण क्या है। भले ही जो वे उन्होंने अपनाया है वो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन इस इंसिडेंट के पीछे जो उन्होंने बयान दिया है या जो उन्होंने कारण कहा है वो दिल दहलाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैंने सुसाइड करने का एक ही मकसद, कि इसके आज डायवरी फादरस तनखा बंद और सही लाइफ से यह बेहतर बनने में इसकी कहत चल पुछ से जू जान तिमन खतर कुर्बान करन तिमन सारे टीचरन खतर ये वस डायो वरियो पे महरूम से अमित तनखा निश त वन चु बहु जू दिवन अमी दव तिंद मसल ग हल नीस फादर सदि बाकी तमाम बिचार प्रारण चाहे कुन डिपार्टमेंट कि तम कर तम यी बिचार मसल हल कर बाक मे कह मकसद और बहुत पिक वन कि तम थबर तिकेज तमो कोर वारे सबर वनिस ते अल्लाह ताला तिमन सिते अल्लाह ताला तिमन सिते। वीडियो के अंदर आपने सुना होगा कि ये शख्स कारण क्या बता रहा है खुदकुशी करने का। अपने अंदर अगर देखें, खुदकुशी किसी चीज़ का कारण या किसी चीज़ का सलूशन नहीं है, लेकिन जो अल्फाज ये शख्स इस वीडियो के अंदर दोहरा रहे हैं कि मैं अपनी जान की कुर्बानी उन उस्तादों के लिए दे रहा हूँ जो उस्ताद पिछले 2-2.5 सालों से अपनी तनख्वाह से महरूम है। हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इनके बच्चों को अब ये जो एक इनके फादर उस्ताद है और इनको अपनी घर की हालत इनसे देखी नहीं गई और इन्हें कारण केवल इतना दिखा कि शायद मेरी सुसाइड की वजह से जो है मेरे बाप माँ बाप के ऊपर बोझ कम होगा। लेकिन इसके ऊपर समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये खुद ही अपने अंदर जो है हज़ार सवालों को जन्म देता है। ये सवाल खड़ा कर देता है डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन के ऊपर भी, ये सवाल खड़ा करता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी, ये सवाल खड़ा करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी कि क्या 2-2.5 साल जो उस्ताद सैलरी से महरूम है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल वाले का कारण हो चाहे गवर्नमेंट का कारण हो, रिजल्ट उसका क्या सामने आ रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगरचे बाकी डिपार्टमेंट्स की ओर नज़र डालें जिनके अंदर बाकी जो मुलाजमीन है जिनकी तनख्वाह अभी पेंडिंग है चाहे 6 महीनों से, 7 महीनों से, 1 साल से, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, उनके बच्चों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं से, जैसे हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि यहाँ से इस खुदकुशी जो इन्होंने की है, इस जान की कीमत कौन अदा करेगा, कौन इनके सवालों को जवाब देगा। जो इन्होंने खुदकुशी का कारण बताया है, 2.5 सालों से इनके बाप को तनख्वाह नहीं मिली है, सैलरी से महरूम है, उसका जवाब कौन देगा। तो यहाँ से हम लोगों से गुजारिश करते हैं और सभी उन पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं और मुलाजमीन से गुजारिश करते हैं, हर्डल्स तो आते हैं, परेशानियाँ तो आते हैं, लेकिन खुदकुशी करके अपनी जान की कुर्बानी देना ये किसी भी प्रॉब्लम, ये किसी भी मुसीबत का सलूशन नहीं है। आप उम्मीद रखें कि आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रहमान आपका वक्त बिल्कुल अच्छा होगा और कहीं ना कहीं से जो आपकी परेशानियां हैं उसके बारे में हम भी आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इसके बारे में सोचें ताकि ये स्थिति फिर से दोबारा ना देखने को मिले। एक सुसाइड कितने सवालों को जवाब जन्म दे सकता है आप खुद ही समझ सकते हैं।
एक क्लियर वीडियो में बता रहे हैं कि मैं अपनी जान की कुर्बानी उन उस्तादों के लिए दे रहा हूं जिनके तनख्वाह पिछले 2.5 साल से महरूम है। तो कहीं खुदा ना करे ऐसी कुछ स्थिति हो जाए, किसी और डिपार्टमेंट, किसी और के बच्चे ने ऐसी हरकत करी या किसी और ऐसे मुलाजिम ने हरकत करी, तो ये कहीं ना कहीं से एक बड़ा बोझ जो है सरकार के ऊपर, सरकार के सर के ऊपर जो है खड़ा होगा, जिसका शायद फिर सरकार या आवाम जो है भरपाई कर पाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो मुलाजमीन जिनकी तनख्वाह, जो तनख्वाह से महरूम है या जो उस्ताद तनख्वाह से महरूम है, वो थोड़ा सा और सब्र करे। और साथ ही साथ में हम LG मनोज सिन्हा से गुजारिश करते हैं कि इसकी ओर थोड़ा सा तवज्जा दे, और डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन से भी हम गुजारिश करते हैं इसी वीडियो को अच्छे तरीके से देखें। आज एक शख्स ने अपने बाप की मुसीबत को देख के ज़िंदगी का खात्मा कर दिया, तो आने वाले वक्त में इसका असर क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, अगर कुछ ऐसी सारी स्थितियाँ होती है आगे, तो उसकी ज़िम्मेदार यहाँ की सरकार, मरकज़ी सरकार, डायरेक्टर स्कूल ऑफ एजुकेशन होगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे भी आप तक अपडेट्स पहुँचाने की, लेकिन ये दिल दहलाने वाला वीडियो जो है बिल्कुल इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसी सारी स्थितियाँ ना देखने को मिले। फिलहाल के लिए इतना ही था, ज़िंदगी रही तो आगे फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि कितनी भी मुसीबतें खड़ी क्यों ना हो, ये खुदकुशी, सुसाइड करना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं।